मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति बैठक में विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश और सरकार के जनहितैषी कामकाज पर चर्चा हुई। यहां भाजपा नेताओं ने बूथ को मजबूत करने पर प्रस्ताव भी पास किया। विधायक हरिशंकर खटीक ने बताया कि बैठक में एक प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत ने रखा, जिसका समर्थन प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने किया। लाडली बहना के लिए 26,500 करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है। इन्वेस्टर मीट के जरिए 4 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य भी रखा गया है। जबलपुर, ग्वालियर और सागर में इन्वेस्टर मीट का आयोजन सरकार करेगी। फसल बीमा के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है। सिंगर्स की तैयारियां अभी से शुरू हुई हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी का मुद्दा भी छाया रहा। कांग्रेस की कार्य प्रणाली पर भी बैठक में चर्चा की गई। राजनीतिक प्रस्ताव सरकार जिम्मेवारी के साथ में, जो मध्य सरकार में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की जो सरकार वो काम करने के लिए जा रही है, उसमें राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा में राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से पूरा जो काम है जो आज बताया गया है यहाँ पर राजनीतिक प्रस्ताव में। दूसरा हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस के नेता तो आपको मालूम है कि संसद में क्या वातावरण निर्मित करते हैं। जो सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष हैं वो वहां पर क्या बोलते हैं हिंदुओं के लिए, क्या बोलते हैं कि हिंदू हिंसक हैं। और इस प्रकार से पूरे देश में कांग्रेस के हमारे मित्र जो प्रतिपक्ष के नेता वहां पर लोकसभा में बोलते हैं उनको समस्या उछालना चाहिए, बल्कि उन्होंने एक समाज वर्ग के लिए मने जो तरीके से उनको अपमानित करने का काम किया है और लोकसभा में और राज्यसभा में उनके विरुद्ध में निंदनीय प्रस्ताव भी आया है कि ऐसे ऐसे प्रस्ताव वहां लेकर के जाते हैं। तो ये भी चर्चा आज हमारी बैठक में हुई है। एक और जहां जनता के आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार पूरी पारदर्शिता, प्रामाणिकता और परिश्रम के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह करती रही है, वहीं कांग्रेस विपक्ष के रूप में भी लोकतंत्र में मजाक का विषय बन गई है। यह भी पहली बार होगा कि कांग्रेस ने अपनी नीति, नेतृत्व और सनातन विरोधी मानसिकता के कारण भगदड़ मची हुई है। अब तक सर्वाधिक कांग्रेसों ने कांग्रेस छोड़ी है और हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो मध्यप्रदेश ने सबसे ज्यादा छोड़ी है। 2 लाख से अधिक कांग्रेस के जो नेता थे, अपने आप को नेता कहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आए, वो आज उनका सम्मान भी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा महिलाओं के प्रति अभद्र और गैर कानूनी टिप्पणियां, कांग्रेस नेतृत्व का गैर जिम्मेदार व्यवहार राजनीतिक परिदृश्य को दूषित करता है। दोनों चुनाव में करारी हार के बाद भी आत्म अवलोकन की अपेक्षा हड़दंग और अजगता कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। विकृत भाषा, तथ्यहीन आरोप, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना उनका नियमित व्यवहार बन गया है। मोदी जी का विरोध करते करते, भारत का विरोध और भाजपा का विरोध करते करते अब हिंदुओं का अपमान करने में कांग्रेस अपने आप को गर्व महसूस करती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।